नागल क्षेत्र के ग्राम बड़ेड़ी में आर्य समाज की ओर से आयोजित 7 दिवसीय युवा चरित्र निर्माण शिविर का समापन हो गया है। इस मौके पर शिविरार्थियों ने शिविर में सीखे गए कर्तव्य और अन्य गतिविधियों का प्रदर्शन करके सभी को आश्चर्य में डाल दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र चौधरी ने कहा कि आज का युवा विदेशी सभ्यता को अपनाकर अपनी दिशा से लगातार भटक रहा है। नशाखोरी के साथ अनेक सामाजिक बुराइयां उसके इर्द गिर्द शिकंजा कस रही हैं। ऐसे में सभी की जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं का सही मार्गदर्शन करें ताकि वे अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए अपने चरित्र, नैतिक, बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकें। बतौर विशिष्ट अतिथि आचार्य धनंजय ने कहा कि जब जब देश पर संकट आया है तब तब आर्य वीर अपनी जान पर खेले हैं। उन्होंने ऐसे शिविरों की अहमियत को समझकर लगातार आर्य समाज के नियमों का पालन करने पर बल दिया। इस मौके पर शिविरार्थियों ने सर्वांग सुंदरासन, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, जुड़ो कराटे, मलखम, लाठी और तलवारबाजी आदि का प्रदर्शन करके दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में भोलू सिंह आर्य, आचार्य करमवीर, शिव पूजन, विजयपाल आर्य, ओम वीर आर्य, विपिन आर्य, विकास आर्य, मनु आर्य, जौली आर्य, पंकज आर्य, अजय, हेमंत अरोड़ा, शोभित, आत्माराम जीवन लाल, राजेश आर्य, रविंद्र प्रधान, अमरदीप स्वामी, ओम मुनि, डॉक्टर विनी, संदीप बबलू, अनुराग, प्रेम बत्रा और केशव आर्य आदि मौजूद रहे। बड़ा सा बैनर लगाते हैं, फोटो खिंचवाया जाता है। फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे होंगे 5-6 आदमी हॉस्पिटल में जाते हैं, 2 केले रोगियों को देते हैं, फोटो खिंचवा करके फेसबुक के अंदर लोकल सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को केंद्रित करते हैं। आर्य समाज का एकमात्र लक्ष्य, आर्य वीर का एकमात्र, हमारे कार्यकर्ताओं का एकमात्र लक्ष्य हमारी संस्कृति की रक्षा कैसे होगी, हम अपने शक्ति का संचय कैसा करें। ये देखिए युवक आपके सामने, लगभग 200 से अधिक युवक आपके सामने खड़े हैं, भूख में खड़े हैं और अपने प्रदर्शन को आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं। बंधुओं, युवाओं के पास ताकत है, शक्ति है, परिश्रम करने का अधिकार है। क्रियाकलाप से गुजारे जैसा उसने यहाँ दिन गुजारा। प्रातःकाल जैसे यहाँ बच्चे को उठाया जाता था, माताओं में ज्यादा ममत्व होता है, ज्यादा उनको मानता होती है, और जब बच्चा बताता है माता जी वहाँ 4 बजे उठाया जाता था, 10 बजे सुलाया जाता था, तो माता कहती है अब आराम से सो, तुझे यहाँ कोई उठाने वाला नहीं, जब तक तेरी मर्जी तब तक सो। ये बच्चे को जो यहाँ शिक्षा दी गई है, ये बिगाड़ने की बात घर में हो जाती है। यदि यही समय सारणी आप अपने घर में भी लागू कर दें बच्चे के लिए, तो बच्चे को जो यहाँ सिखाया गया है वो लगातार कंटिन्यू उसमें बना रहता है, व्यायाम की जो प्रक्रिया है वो बनी रहती है। भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने मांगों को लेकर दिया धरना। बाईपास की भूमि, पेड़, नलकूप और फसल आदि के मुआवजे की उठाई मांग। जहरीली शराब से मृत्यु के शिकार बने पीड़ितों और उनके आश्रितों के लिए सही मुआवजे पर भी दिया बल। धरने के दौरान राजन सिंह यादव, वेदपाल सिंह, जयपाल सिंह, मोहित पप्पू, रवि कुमार और राजपाल सिंह आदि रहे मौजूद। हम 3 बातों को लेकर धरना स्टार्ट किया है। पहली सबसे मुख्य मांग हमारी है NH-73 जो बाईपास बन रहा है, उसमें हमको गैर इंडिया गैस पाइपलाइन के वास्ते मुआवजा दिया जाए, और दोनों साइड में बची हुई भूमि को एक नलकूप से पानी देने की व्यवस्था की जाए, सर्विस रोड दी जाए, जहाँ पर अंडरपास नहीं है वहाँ अंडरपास दिए जाए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको ग्रामीण राजमार्ग बना करके उनको मुआवजा दिया गया है, उनको भी गैस पाइपलाइन की तरफ पर जो है मुआवजा दिया जाए। कितने दिन चलेगा ये धरना? अभी प्रशासन ने हमने 2 दिन की अनुमति दी है, लेकिन अगर हमारी मांग 2 दिन में नहीं मानी जाती है तो अनिश्चितकालीन धरना हो जाएगा। और दूसरी मांग हमारी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है जिनमें जनपद स्तर के जो अधिकारी हैं वे फर्जी नियुक्तियाँ भर्तियाँ कर रहे हैं और खुला 10 लाख रुपये भर्ती में ले रहे हैं, और जिनकी जाँच आख्या में वो रिपोर्ट भी आ गई है लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तीसरी मांग ये हमारी है, जो श्राफ दुर्घटना में मारे गए हैं, जो सरकार द्वारा घोषणा की गई है, वो उनका मुआवजा दिया जाए। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास आश्रम में हुआ मासिक सत्संग। आश्रम की ओर से लगाई गई मीठे पानी की प्याऊ सत्संग में महात्मा तथ्यदास ने दिया दीन दुखियों की सेवा का संदेश। रामपाल गौतम, सत्येंद्र गौतम, राजेंद्र दास, महेंद्र सिंह, रुचि और सुधीर आदि रहे मौजूद। पतंजलि योग समिति की बैठक में योग महोत्सव को लेकर चर्चा। हरिद्वार से आई साध्वी देवादिति ने योग कक्षाओं की स्थापना पर दिया बल। 21 जून को जनपद, तहसील और ब्लॉक स्तर पर मनाया जाएगा योग महोत्सव। अनिल आर्यव्रत, ऋषिपाल, आशीष, प्रवेश और ऋषिपाल सहित यशपाल आदि रहे मौजूद। जी आज ये मुख्य रूप से सहारनपुर में अपना
आठ संगठन हैं, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत समिति और किसान सेवा समिति, जो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में, श्रद्धे स्वामी जी महाराज के तत्वाधान में पूरे देश के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, उसी की अपनी सहारनपुर की जो इकाई है उनके बीच में आज विशेष रूप से एक बैठक रखी गई थी। तो एक ये कार्यकर्ता बैठक थी और इसमें कुछ विशेष रूप से एक निर्णय हम लोगों ने ये लिया कि हम लोग किस प्रकार से और अच्छे से योग की सेवा के लिए अपनी कक्षाओं को आगे बढ़ाएँ प्रामाणिकता से, और क्योंकि हम लोगों का सबका संकल्प है कि हम सेवा के माध्यम से आरोग्य देश के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। और इसी श्रेणी में एक बार हम लोगों ने निर्णय यहाँ लिया कि अपना नवंबर में 1 से 5 नवंबर तक अपना यहाँ पर सहारनपुर में 5 दिवसीय योग शिविर रहेगा, और एक बड़े योग शिविर के माध्यम से, जिसमें मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि निश्चित रूप से आप लोग जब योग की बात करते हैं तो गांव-गांव तक वो पहुँच जाती है। तो हम लोग मिल करके इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में, सेवा के कार्य में योग के माध्यम से अलग सेवा में लगे हुए हैं, बस एक यही एक मुख्य संकल्प है। अलीगढ़ के टप्पल गांव में मासूम से दरिंदगी की घटना को लेकर पूरे देश में रोष का माहौल बना हुआ है। लोग अपने अपने घरों से निकलकर बच्चों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में सहारनपुर में भी हिंदू जागरण मंच की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजते हुए मांग उठाई गई कि टप्पल कांड के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, इसके अलावा परिवार को सुरक्षा के साथ आर्थिक सहायता दिए जाने और पूरे प्रदेश में कानून का राज कायम किए जाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। ज्ञापन भेजने वालों में सूर्यकांत सिंह, अनिल अरोड़ा, रविंद्र राणा, अनुरंजन गुप्ता, संजू पाल, सुनील त्यागी, रामपाल शर्मा और वीर सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। आज अलीगढ़ के टप्पल में जो घटना हुई है, उस घटना एक नाबालिग बच्ची का जिस प्रकार से एक कामांध दरिंदे ने भक्षण किया है, उसके अंगों का के साथ बहुत ब्रूटलिटी की है, उसके विरोध में आज अपने हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पूरे प्रांत में, मेरठ प्रांत में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और शासन को प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन इत्यादि दे करके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। यदि सरकार ने ऐसे तत्वों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की तो हिंदू जागरण मंच इसको पूरे जोर शोर से लड़ेगा। टप्पल में ये जो घटना घटी है, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना, जिससे हमारे पूरे हिंदू समाज में इतना आक्रोश है, उस आक्रोश को देखते हुए आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन हिंदू जागरण मंच ने पूरे प्रदेश में आज एक ही समय में अधिकारियों को दिए हैं। अगर उन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो हिंदू जागरण मंच इसकी लड़ाई सड़कों पर आकर लड़ेगा। गन्ना मूल्य भुगतान के मुद्दे पर किसानों ने किया विचार विमर्श। भारतीय किसान यूनियन की पंचायत में समस्या का समाधान ना होने पर दी गई आंदोलन की चेतावनी। पंचायत के बाद किसानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार, भूपेंद्र त्यागी, अशोक कुमार, मेवाराम, राजपाल, अनूप सिंह और मुकेश तोमर आदि रहे मौजूद। की जो समीक्षा बैठक थी उसमें जो है अधिकारी यहाँ के जो है किसानों को गुमराह कर रहे, गलत आंकड़े दे के आर डी एम साहब को उस बात से अवगत करावेंगे और राष्ट्रीय शिविर 16-17 के बाद डीएम के बरामदे में जो है यही अपना दाल चावल यही बनेगा, अगर गन्ना भुगतान नहीं होता तो अपना यही बरतेंगे, बस ये तय करना है। अलीगढ़ के टप्पल कांड को लेकर सहारनपुर में भी लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। यही झलक पेश करते हुए सहारनपुर में बीती शाम व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश की ओर से कैंडल मार्च निकालकर रोष व्यक्त किया गया। इस दौरान व्यापारियों ने मृतक बच्ची को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए मांग उठाई कि उसके हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। पूरी घटना को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए दोषियों की कड़ी भर्त्सना और निंदा भी की गई। कैंडल मार्च में राधेश्याम नारंग, वीरेंद्र कुमार बहल, किरण गांधी, जगदीश पपनेजा, बीएस मलिक, राजेंद्र हांडा और विनय जिंदल सहित अशोक नारंग आदि शामिल रहे।